हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जांपल 11 में दे रखा मेरे को, अ लैडर इज अ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज अ फुट एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप टू बी रिचेज द विंडो 6 मीटर अबोव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोला ये गया है, मान लो कोई वॉल है मेरी, ठीक है, और ये मेरा बेस हो गया। इस दीवार पर कोई मैंने लैडर लगा रखी है, जस्ट इमेजिन मैंने ये लैडर लगा दी, ठीक है, इसके ऊपर, इसका नाम दे दिया मान लो ए बी सी। बेसिकली फ्रेंड, जो मेरी दीवार होगी वो बेस पे क्या होगी, राइट एंगल पे बनी होगी। ठीक है, अब जो ये लैडर है, ये लैडर इस दीवार के फुट से 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? 2.5 मीटर पे। और ये वॉल की 6 मीटर की हाइट पर इसको टच करती है। कितने हाइट पे टच करती है? 6 मीटर की हाइट पे। तो बोला ये गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, इस लैडर की हाइट बताओ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, लेट लेंथ ऑफ लैडर माना, ठीक है, सीढ़ी की लंबाई क्या मान ली, एसी मान ली, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, बीसी 2.5 मीटर, और जो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ वॉल दीवार की ऊंचाई वो 6 मीटर है, जो कि ए बी दे रखी मेरे को 6 मीटर। अब फ्रेंड इसमें राइट एंगल बन रहा है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हिंदी में लिखूँगा पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग द्वारा। ठीक है फ्रेंड, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, जिसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, और जो बेस होता है इसे बोलते हैं हिंदी में आधार, यानी कि बीसी, ठीक है, बेस प्लस में, और जो 90 डिग्री पे खड़ी होती है हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है फ्रेंड, तो हाइपोटेन्यूज दे रखी मेरे को एसी, आधार दे रखा है बीसी, और परपेंडिकुलर दे रखा है मेरे को एबी। ठीक है फ्रेंड, अब एसी की लेंथ तो मेरे को निकालनी है, बीसी कितना दे रखा है 2.5 स्क्वायर, और एबी दे रखा है 6 का स्क्वायर, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6.25, 6 को 6 से किया कितना आया 36 आया। अब फ्रेंड इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना आया 42.25, इसके ऊपर जो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, 42.25 का अगर मैं रूट निकालूं तो मेरा आएगा 6.5 मीटर। ये मेरी क्या आ गई, लेंथ ऑफ लैडर आ गई। ठीक है, द लेंथ ऑफ लैडर सीढ़ी की लंबाई कितनी निकल गई आई, 6.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 12 पे। तो फ्रेंड एग्जांपल नंबर 12 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, जिसमें बोला गया है एडी परपेंडिकुलर है पीसी पे, प्रूफ करो एबी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर इक्वल है बीडी का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर, इसे प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरे पास गिवन क्या है, गिवन दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे। अब सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब इस कंडीशन को पूरा करने के लिए मेरे पास दो राइट एंगल, अगर फ्रेंड 90 डिग्री इधर बन रहा तो 90 डिग्री इधर भी होगा। ठीक है, मेरे पास दो राइट एंगल है, मैं दोनों को बना लेता हूँ। पहला राइट एंगल मेरा ये वाला, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके बना लिया, तो बी मेरा चला जाएगा ऊपर, डी 90 डिग्री पे रहेगा, ए मेरा ये रहेगा, और दूसरा वाला राइट एंगल मेरा कुछ ऐसे है, इसको सी ऊपर रहने दिया, डी 90 डिग्री हो गया और ये हो गया,
दोनों क्या होंगे, राइट ट्रायंगल होंगे। तो दोनों में क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस द्वारा। पाइथागोरस क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों मेरे पास ट्रायंगल है तो इसमें मैंने पाइथागोरस यूज़ की तो 90 डिग्री के सामने वाले कौन होगी, हाइपोटेन्यूज। ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है, इसे नंबर वन मान लिया मैंने। सिमिलरली इसमें यूज़ किया मैंने क्या लिखा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, इसे नंबर दो मान लिया, ठीक है। मानने के बाद मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, समीकरण दो को एक में से घटाने पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर दो ये मेरी है। तो मैंने ए बी में से माइनस कर दिया ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, इस पूरी टर्म में से माइनस कर दूँ ऐसे ए डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। करने के बाद यहाँ पर मैंने रहने दिया ए बी एज इट इज़, ए सी एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन किया बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, प्लस वाले किसका हो जाएगा माइनस का, ए डी का स्क्वायर माइनस में सी डी का स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब कैंसिल होने के बाद मैंने क्या किया, जो माइनस की टर्म है इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, ए बी माइनस का इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हुआ, जो माइनस वाली टर्म थी इधर एक इसकी हो जाएगी प्लस की, ये बी डी बचा हुआ है, ये माइनस का इधर इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का, और ये माइनस वाली टर्म इधर किसकी होगी प्लस की होगी, और हमें यही प्रूफ करना था कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ मेरा एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।